दोस्तों डुवेचल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मोबाइल फोन की बैटरी बैकअप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं, जो 99% एंड्रॉयड यूजर अपने फोन की बैटरी बैकअप को लेकर के परेशान रहते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आप अपने फोन को बार बार चार्ज करते हैं और 100% आपका फोन चार्ज हो जाता है और आपको लगता है कि मेरा फोन 100% चार्ज तो हो गया, और चार्जिंग से जैसे निकालते ना तो आपका फोन यूज भी नहीं करते ना, कुछ देर के बाद जो ना आपको 10% 5% 15% जो ना डिक्रीज होने लगता है, यानी कि घटने लगता है, और आप सोचते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। दोस्तों आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आपके फोन के अंदर जो ना दो ऐसी कमाल का यूनिक सेटिंग है और इस सेटिंग के आप ऑन करके नहीं रखते हैं। और दोस्तों 100% मैं गारंटी के साथ करूं कि ये सेटिंग के बारे में आप नहीं जानते। अगर आप ये सेटिंग आप अपने फोन की बैटरी के अंदर ऑन कर लेते हो ना, तो मैं लिख के देता हूं कि आप अपने फोन को एक बार चार्ज कर लेते हो ना, तो आप जो ना अपने फोन की बैटरी को जो ना 135 घंटा आप चला पाएंगे। दोस्तों आपको मेरी बातें पे यकीन नहीं होगा कि भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 135 घंटा कैसे चलेगा। हमारे फोन के अंदर देख सकते कि 44% यहां पे बैटरी नजर आ रहा है, लेकिन इसे मैं जो ना 135 घंटा में चला सकता हूं। ये मोबाइल फोन की वो सेटिंग बताऊंगा जो कंपनी वाले खुद देते लेकिन आप लोग को नहीं पता होगा। अगर दोस्तों इस सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं जो मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही कमाल का वीडियो बनने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता वीडियो स्टार्ट है। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो अटोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि जानना चाहते ना तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना जो बिल्कुल फ्री होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना, इस वीडियो को शेयर करना, कॉमेंट करके अंदर बताना बैटरी ट्रिक। जी हाँ, तो बैटरी सेटिंग लिख देते कॉमेंट के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे फोन के अंदर देख सकते कितना परसेंट यहाँ पे बैटरी नजर आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फोन के अंदर 42 था, अब 41% यहाँ पे बैटरी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये 41% बैटरी को जो ना 135 घंटा में चला पाऊंगा सिर्फ एक सेटिंग की मदद से। और ये अपने तरफ से नहीं बोला, ये कंपनी वाले खुद देते हैं लेकिन आप लोग को पता नहीं होता ये बैटरी का सेटिंग। जी हाँ, तो ये सेटिंग आपको जानने के लिए चार्जिंग से पहले आपको ये सेटिंग करना काफी जरूरी है, तो वो सेटिंग बता देता हूं। तो नीचे देखेंगे ना तो यहां पे आपको कौन सा सेटिंग मिलेगा, बैटरी एंड परफॉर्मेंस होगा। बैटरी एंड परफॉर्मेंस नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं बैटरी नाम करके, किसी फोन के अंदर बैटरी नाम करके होगा, किसी फोन के अंदर बैटरी परफॉर्मेंस होगा, तो किसी फोन के अंदर आपको बाहर में ही आपको सेटिंग मिल जाएगा। तो ये बैटरी परफॉर्मेंस सेटिंग पे मैं क्लिक कर देता हूं, और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आपको काफी सारा सेटिंग मिलेगा। तो हमारे फोन के अंदर देख सकते हैं 41% है ना, तो यहां पे 14 घंटा में ही यूज कर पाऊंगा 41% बैटरी जो ना, सेटिंग को मैं ऑन नहीं किया हूं लेकिन बिना सेटिंग को जो ना 41% बैटरी को जो ना 14 घंटा में ही यूज कर पाऊंगा। लेकिन यदि मैं एक सेटिंग को ऑन कर दूंगा ना तो 1 घंटा 31 मतलब कि मैं यूज कर पाऊंगा आवर, ठीक है, 131 घंटा में यूज कर पाऊंगा। तो यहां पे अल्ट्रा बैटरी सेवर होगा। जी हाँ, तो यदि आप अल्ट्रा बैटरी सेवर पे आप क्लिक कर देते ना तो कुछ इस तरह से आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये चीज जो है ना क्या होता है कि मोबाइल फोन के एक ऐसे सिस्टम चालू हो जाता है जो आपके फोन के अंदर हर चीज लिमिट होता है, जो आपके फोन के अंदर बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन होता है वो बैकग्राउंड में लिमिट होगा, नहीं चलेगा, वो आप जब भी यूज करेंगे उसी टाइम बैटरी लेगा, बाद में वो एप्लीकेशन क्लोज कर देते ना तो बाद में एप्लीकेशन बैकग्राउंड में लेता, लेकिन वो आप बंद भी कर देंगे ना फिर भी नहीं लेगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पे नेटवर्क जो फ्लेक्सिबल होता है वो ज्यादातर नहीं करेगा, उसको भी लिमिटेड कर देगा, ठीक है, फिक्स कर देगा। बैटरी का जो सिस्टम होता है, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो वो कॉल कर ही सकते हैं, आपका ब्राइटनेस हो गया या आपका ब्लैकनेस हो गया वो सब कुछ जो ना सिस्टम के हिसाब से ही चलता है, जिससे कि आपकी फोन की बैटरी जो ना इतना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते, आपका माइंड को ब्लॉक कर देगा। मेरे कॉमेंट के अंदर बोलेंगे कि काश ये सेटिंग के बारे में मुझे पहले पता होना चाहिए था। आप जितना भी जो भी करते हैं आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे व्हाट्सएप को यूज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर देता, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैं नीचे जाता हूं, व्हाट्सएप को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर देता, ऐड हो गया, यहां पे मैं डन कर देता हूं, ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप चला सकता हूं। यहां पे देख सकते हैं मैं व्हाट्सएप चला सकता हूं, कॉल भी कर सकता हूं, कॉन्टैक्ट भी, अगर और भी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं क्रोम ब्राउजर तो क्रोम ब्राउजर को भी यहां पे ऐड कर सकते हो। जी हां, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन बैटरी जो है ना काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला सिर्फ और सिर्फ ये सेटिंग, और ये सेटिंग जो ना हाल फिलहाल ही मोबाइल के अंदर आया, लेकिन ये सेटिंग सभी फोन के अंदर दिखने को मिल जाएगा। अगर आप ये सेटिंग को बंद करना चाहते हैं, नॉर्मल मोड करना चाहते हैं, तो आपको यहां पे 3 लगन पे क्लिक करना और यहां पे टर्न ऑफ यहां पे होने लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ
कुछ प्रोसेस होगा तो ये टर्न ऑफ हो जाएगा, जैसे कि आपको नॉर्मल तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये 41% बैटरी जो है ना, मैं सिर्फ से 13 से लेकर 14 घंटा ही चला पाऊंगा, उसके ज्यादा नहीं क्लब कर पाऊंगा। अगर आप मैं ये अल्ट्रा सेटिंग बैटरी वाला कर देता हूं ना, जैसे कि मैं आपको फिर से जाता हूं और यहां पे मैं सॉरी यहां पे मैं जाता हूं नीचे में, तो ये रहा मैं जाता हूं तो यहां पे देख सकते हैं 128, पहले 32 था, 128 यहां पे फ्लेक्सिबल होता रहता है, ठीक है। तो बैटरी जैसे कम होगा तो वो आपको 1% बैटरी घट गया ना, तो 2 घंटा में कम यूज कर पाऊंगा। तो ये अल्ट्रा बैटरी सेवर पे क्लिक करेंगे ना तो आपका बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जी हां, तो ये मैं खुद ने बोला मोबाइल की ये सेटिंग बता रहा जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल के अलावा कुछ अलग सीखने को मिलेगा जो आज तक नहीं जानते होंगे। अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने ख्याल लेके टेक केयर एंड गुड।